खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां भाई बहन का आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के पूजा कॉलोनी का है। लड़की के फांसी लगाने के बाद बच्ची को मृत अवस्था में लूनी सीएचसी अस्पताल में लाया गया। एसीपी लूनी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का 8 वर्षीय छोटे भाई के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके चलते बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बच्ची के परिजन पहले उसे प्राइवेट चिकित्सालय लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे सीएचसी अस्पताल में लेकर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से अली में वारसी की रिपोर्ट। भतीजी मेरी है, सुबह स्कूल से आई है पढ़ के। कुछ बच्चों के कुछ जो है, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? हॉलीडेज जी में, पूजा कॉलोनी में है स्कूल। अच्छा। और अब आपस में बहन भाई कुछ आपस में कुछ बहसबाजी हुई होगी, फिर वो सब अपने ऊपर चले गए थे। बाद में जो छोटा भाई नीचे आया तो देखा तो वो नहीं हुई थी। जो मृतक बच्ची है वह भी नाबालिग है, 14 वर्षीय। उसका अपने भाई के साथ जो कि 8 वर्षीय है, एक विवाद हुआ था आज दोपहर में। उसी विवाद के बाद उस बच्ची ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों द्वारा पहले उसे एक प्राइवेट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो सीएससी लेकर के आए थे। इसमें सभी पहलुओं पर गहन छानबीन की जा रही है, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।